अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रोस्ट एंड टोस्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। जब मैं आगरा जा रही थी तब मैंने ये रेसिपी ढाबा में ट्राई की थी और यकीन मानिए वो बेहद ही लजीज और बेहतरीन थी। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इसकी रेसिपी बताई जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोभी और आलू को छील कर कट कर लेंगे। गोभी काटने के बाद अब हमें पानी को बॉईल कर लेना है और उस उबलते पानी में हमें नमक डालनी है स्वाद अनुसार। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है और उसके साथ साथ हल्दी भी डालेंगे 1/2 टेबलस्पून और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी को हम गोभी में डाल देंगे। ताकि गोभी अच्छे से साफ हो जाए अंदर तक और जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी निकल आए। अब गोभी से पानी अलग कर लेंगे छान कर। एक बोल में हम लोग गोभी और आलू को डालेंगे। और उसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और लास्टली 3 टेबलस्पून आटा डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। सब्जी अच्छे से मसालों में मिक्स हो चुकी है तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक पैन को हम गरम कर लेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे बड़ी चम्मच से 4 से 5। तेल गरम होने के बाद सब्जियों को उसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। एक तरफ अच्छे से शैलो फ्राई हो चुकी है तो अब इसे पलट देंगे। अब दूसरी तरफ को भी अच्छे से शैलो फ्राई होने देंगे। सब्जी शैलो फ्राई हो चुकी है तो अब बची हुई सब्जी को भी शैलो फ्राई कर लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। सब्जी शैलो फ्राई हो चुकी है तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मिक्सी में 3 टमाटर काट कर डाल देंगे। अब इसमें 3 हरी मिर्च डाल देंगे काट कर और 8 से 10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक काटकर और धनिया की डंठल और 1 टेबलस्पून सेसमे सीड। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। अब
जिस पैन में हमने शैलो फ्राई की थी आलू और गोभी को, उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे क्योंकि तेल कम है, और इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा, लौंग, इलायची। जब चटकने लगे तब उसमें एक बड़ी चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है तो उसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल दें, एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें जो हमने पेस्ट तैयार की थी उसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे इसमें, मैंने एक टेबल स्पून डाली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके पकने देंगे। 5 मिनट हो चुकी है तो अब देखते हैं, मसाले से तेल छूटने लगी है तो अब इसमें आलू डाल देंगे। एक से 2 मिनट के लिए आलू को हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। आलू रोस्ट हो गई है तो अब इसमें गोभी भी डाल देंगे। अब इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे और 1 कप पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने 1.5 कप पानी डाला है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद है तो अपने अनुसार डाल लीजिए। मैंने बस गोभी और आलू को गलने के लिए ही पानी डाला है तो बस अब इसे गलने देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे धीमी आंच पर। 15 मिनट हो चुकी है तो अब देखते हैं कि आलू को भी गली है या नहीं। देख सकते हैं आप कि अच्छी तरीके से गल चुकी है आलू और गोभी दोनों ही। ये धनिया की पत्ती डाल देंगे चॉप की हुई। अब देख सकते हैं कि सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, कितनी अच्छी कलर आई है इसकी, और धनिया के साथ कितनी खिली खिली लग रही है। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है।
आप देख सकते हैं कि सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है और खाने में तो बेहद ही लजीज है, बिल्कुल ही चटपटी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। इसे हमने दो पूरी के साथ सर्व किया है। तो अब आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स करें और बताएं कि कैसी आपकी बनकर तैयार हुई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।